खड़े हैं 4+1 BHK के बाहर, 3672 स्क्वायर फीट, 3672 स्क्वायर फीट का हमारे पास टोटल साइज रहेगा, सुपर बिल्डअप एरिया रहेगा इस अपार्टमेंट का। टीक वुड विनियर का प्रीमियम वुड डोर आपको लगाकर दे रहे हैं, इसमें लॉक इन सिस्टम जो रहेगा हमारे पास, इसमें पासपोर्ट रहेगा, बायोमेट्रिक रहेगा और कार्ड एक्सेस रहेगा, सेम एज इट इज आपको लगाकर दे रहे हैं। वीडियो डोर बेल बाहर लगाकर दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5-tier सिक्योरिटी रहेगा हमारा। अब फ्लैट के अंदर चलते हैं, कोड लगा रहे हैं। ट्राई सिटी का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट हमारा, उसका एक फ्लैट अंदर से देख रहे हैं। एंटर करते ही ग्रैंड फॉयर एरिया आ जाएगा हमारे पास। फॉयर एरिया में पहुंचते ही राइट साइड में हमारे पास स्टोर रूम आ जाएगा, इसके साथ ही आगे हमारे पास पूजा रूम आ जाएगा। सो ये हमारे पास स्टोर रूम आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास पूजा रूम भी आ जाएगा। अगर इन दोनों रूम्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं तो बीच की दीवार निकाल भी सकते हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें एरिया देखिए जो हम आपको बनाकर दे रहे हैं, इसमें सेपरेट ड्राइंग एरिया आ जाएगा हमारे पास। अगेन इसमें हम आपको फैंस, लाइट्स, फॉल सीलिंग बनाकर दे रहे हैं, फॉल सीलिंग लगा कर दे रहे हैं। इटालियन मार्बल फिनिश टाइल्स रहेंगे हमारे पास। पूरा सेंट्रलाइज एसी अपार्टमेंट रहेगा, ऑल वेदर, आप गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही हमारे पास गेस्ट बेडरूम आ जाएगा, अगेन सेपरेटेड फ्रॉम अदर 3 बेडरूम्स, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे और आपके पास गेस्ट आते हैं उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब आ जाएंगे हर एक बेडरूम के साथ में, 15x11 का साइज। यहाँ पे वॉशरूम आ जाएगा सामने हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम आ जाएगा, अगेन फुली इक्विप्ड वॉशरूम रहेगा, जिसमें ग्लास पार्टीशन, एग्जॉस्ट, मिरर, सब कुछ आपको लगा कर दे रहे हैं। टोटो ग्रोहे बोलर की सारी फिटिंग रहेंगी, वैनिटी भी इवन बना कर दे रहे हैं इसमें। इस अपार्टमेंट का बेस्ट पार्ट है इसकी बालकनी, पूरे रीजन की सबसे बड़ी बालकनी हम आपको बना कर दे रहे हैं, विद डुअल डोर, मेश डोर अलग से रहेगा, टफन ग्लास अलग से रहेगा। मास्टर बेडरूम जितनी बालकनी है हमारे पास, आप कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इधर बैठना चाहते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। इसमें दो स्टोरेज स्पेसेस हमारे पास आ जाएंगे, दो शाफ्ट एरिया आ जाएंगे हमारे पास, जो अंदर की तरफ खोल के यहाँ पे हमारे पास VRV टेक्नोलॉजी का एग्जिट यूनिट आ जाएगा, इस वॉशरूम का गीजर यहाँ पे आ जाएगा, इस वॉशरूम का गीजर इसमें आ जाएगा हमारे पास। ये बालकनी कॉमन रहेगी ड्राइंग रूम के साथ और हमारे गेस्ट बेडरूम के साथ। ये हमारे पास ड्राइंग एरिया आ गया, जो हमने बैल्कनी देखी थी वो यहाँ पर आ जाएगी बिल्कुल, यहाँ से हम बैल्कनी में बाहर गए थे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हम एक छोटा पाउडर रूम आपको बनाकर दे रहे हैं। लेट्स सपोज आपको, आपके पास कोई गेस्ट आते हैं, हम उनको अंदर लेके जाते हैं, आपकी इंटरनल प्राइवेसी खराब होती है, इंटरनल प्राइवेसी ना खराब करना हो तो यहाँ पे हम एक छोटा सा वॉशरूम बनाकर दे रहे हैं। आपके कोई गेस्ट आते हैं तो इंटरनल प्राइवेसी आपके बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, वहां से ही वॉशरूम यूज कर सकते हैं। ये
गेस्ट बेडरूम हमने देख लिया, बैल्कनी हमने देख ली, ड्राइंग एरिया हमने देख ली। इसके बाद हम देखते हैं किचन। ये हमारे पास डाइनिंग एरिया और फैमिली लाउंज बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा। यहां पर हमारे पास किचन आ जाएगा बीच में। थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर दिया हमने इस किचन को, हमने अमेरिकन किचन कंसेप्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको डुअल किचन कंसेप्ट कर दिया। ये हमारे पास ड्राई एरिया कंसेप्ट आएगा, ये वेट एरिया कंसेप्ट आ जाएगा इस साइड में। पूरा मॉड्यूलर किचन रहेगा जैसे आप देख रहे हैं, इवन विद अप्लायंसेस। इसमें हम आपको डुअल डोर फ्रिज भी दे रहे हैं साथ में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इनबिल्ट ओटीजी माइक्रोवेव रहेगा यहाँ पे, दो चिमनी से, एक यहाँ पे एक दूसरे वाले किचन में, एक हॉब यहाँ पे एक दूसरे वाले किचन में। पूरा मॉड्यूलर किचन, सारी हट्टी की ब्रांडिंग रहेगी इसमें एग्जैक्टली जैसे आप देख रहे हैं। आरओ और डिश वॉशर हम आपको इसमें लगा कर दे रहे हैं साथ, इन अप्लायंसेस के साथ। किचन के साथ भी हमारे पास यहाँ पे एक बैल्कनी आ जाएगी। ये बैल्कनी आपको कनेक्ट करेगी आपके सर्वेंट रूम के साथ भी। ये एल शेप की बैल्कनी है, बाहर निकलेंगे वहां पे वॉशिंग एरिया है, वहां से लेफ्ट लेंगे तो आप सर्वेंट रूम को कनेक्ट करते हैं। अगर आप सर्वेंट रखते हैं तो बैक साइड से वो आपके किचन में एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम फैमिली लाउंज क्रॉस करके, डाइनिंग एरिया क्रॉस करके सामने सेकेंड बेडरूम के हो जाते हैं। अब हमारे पास रूम साइज बड़े हो जाते हैं, हमारे पास वॉशरूम के साइज भी बड़े हो जाते हैं। एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब्स आ जाएंगी हर एक बेडरूम में, 15x12 का रूम साइज। इसके साथ अटैच वॉशरूम, वॉशरूम फुली इक्विप्ड एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसमें पार्टीशंस हमारे पास क्लोज हो जाएंगे, क्लोज चार आ जाएंगे हमारे पास। इसके साथ भी हमारे पास बैल्कनी आ जाएगी। ये बैल्कनी दो रूम्स की कॉमन बैल्कनी है, जिसके नेक्स्ट रूम जो अभी हमने देखना है उसके साथ, और जिस बेडरूम में अभी हम खड़े हैं इसके साथ ये कॉमन बैल्कनी रहेगी हमारे पास। 22 फुट की लंबी बैल्कनी है। एक बीच में हमारे पास लेफ्ट साइड का रूम देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दोबारा से जो हमने वेंट रूम के साथ भी देखा, एक यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग एरिया और फैमिली लाउंज अलग से आ जाएगा, ड्राइंग एरिया बिल्कुल सेपरेट कर दिया इसमें। यूजुअली ये बहुत डार्क रहता है, जब यहाँ पे एक दीवार आ जाती है तो ये बहुत डार्क रहता है। यहाँ पर भी हमने आपको एक विंडो पैनल दे दिया ताकि लाइट की प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड चीज जो एक घर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है वेंटिलेशन की। यहाँ पे हमने आपको बैल्कनी भी दे दी उसी वेंटिलेशन के लिए। सो दोनों साइड से ओपन फ्लैट आ जाएंगे आपके, आपका पूरा फ्लैट वेल वेंटिलेटेड रहेगा, फुली एयरी फ्लैट रहेगा आपका। इसके साथ ऐसे यहाँ पे बैल्कनी आ जाएगी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी आपको, जैसे हमने ड्राइंग रूम के साथ देखा था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम तीसरे बेडरूम की ओर चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास थर्ड बेडरूम आ जाएगा, और ये मास्टर बेडरूम का एरिया है यहाँ पे। पहले हम थर्ड बेडरूम देखते हैं, अगेन 15x12 का साइज। इसके साथ ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा हमारे पास, ड्रेसिंग एरिया के साथ अटैच वॉशरूम आ जाएगा। बैल्कनी हमारे पास वो है जो हमने इससे पहले वाले बेडरूम के साथ देखी थी, ये कॉमन बैल्कनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर।
ये हमारे पास इसके साथ ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, एक वॉक इन क्लोजेट वाला सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ हमने, कोई भी पार्टीशन बीच में नहीं रहेगा, वार्डरोब यहाँ पे आ जाएगा आपका। फुली इक्विप्ड वॉशरूम विद वैनिटी विद ग्लास पार्टीशन एग्जॉस्ट मिरर गीजर सब कुछ लगा कर दे रहे हैं। हमारे पास मास्टर बेडरूम यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ विद वुडन फ्लोरिंग, बर्गो ब्रांड की वुडन फ्लोरिंग है, इंडिया के नंबर वन ब्रांड जो आज के रेट में वुडन फ्लोरिंग बनाता है, इट्स अ स्वीडन ब्रांड बेसिकली। सो जो भी हम आपको चीजें लगा के दे रहे हैं सब लग्जरियस है। लुक एट द साइज, 17x12 का एरिया रहेगा इस रूम का। इसके साथ भी बालकनी आ जाएगी, इसके साथ भी एक ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा और उसके साथ वॉशरूम अटैच आ जाएगा। यहां पे हमारे पास बालकनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा और ड्रेसिंग एरिया के साथ ही हमारे पास एक वॉशरूम आ जाएगा विच इज फुली इक्विप्ड। अगेन फ्रेंड्स, ये था ट्राई सिटी का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट मापेला ग्रैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बारी मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया इस पेज को, इस चैनल को, आप प्लीज इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।